दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक ही रात में दो दुकानों में चोरी की वारदात को दिया गया अंजाम। चोरी करते हुए चोर सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। दोनों दुकान का शटर तोड़कर चोर ने वारदात को दिया अंजाम। तीसरी दुकान का ताला तोड़ते वक्त लोगों की आवाजाही होने पर चोर मार्केट से भागे। बुराड़ी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही चोरी की वारदात राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके के नेहरू गली मेन मार्केट की है, जहां चोरों ने एक ही रात में मार्केट में दो दुकानों को अपना निशाना बनाया और दोनों दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। ये इन चोरों की तस्वीर है, आप भी गौर से देखिए। महज 16 से 18 साल के ये तीन लड़के कितने बेखौफ तरीके से मेन मार्केट में बनी हुई इस मदर डेयरी की दुकान का शटर तोड़ देते हैं और उसके बाद इनमें से एक लड़का अंदर जाकर गले में रखे हुए सारे रुपए पर हाथ साफ कर आता है। इस दौरान दोनों बाहर खड़े होकर पहरा देते हैं। इसके बाद इसी मार्केट की एक ब्यूटी पार्लर की दुकान पर भी इन चोरों ने ढाबा बोला और शटर तोड़कर सारा सामान और गले में रखे हुए रुपए चुरा ले गए। ये तीसरी दुकान का ताला तोड़ रहे थे कि आसपास के कुछ लोगों की आवाजाही हुई और यह चोर वहां से भाग खड़े हुए। 2:30 बजे के आसपास तीन लड़के थे जी, और इन्होंने हमारे यहाँ पे दुकान का ताला तोड़ा है और गले में से सारे पैसे निकाल के वो लेके चले गए। साथ में एक दुकान हो रहा है ब्यूटी पार्लर की, उसमें से भी वो पैसे और सामान वगैरह लेके गए। पिछले 2-3 दिनों से ये वारदात इस कम्युनिटी में बहुत ज्यादा हो रही है। सीसीटीवी में भी कैद हुआ है, कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? वो तीन लड़के हैं जिनकी उम्र 15 से 16 साल के आसपास है। बुराड़ी इलाके के सबसे व्यस्त कही जाने वाली संत नगर की नेहरू गली में मेन मार्केट बनी हुई है। दुकान अब तक तो लोगों को सुरक्षित लगती थी, पूरी रात यहां लोगों की आवाजाही रहती है क्योंकि पुराने मेन रोड को जोड़ने वाली ये वही है जो कई कॉलोनियों को जाती है। लेकिन जब से लोगों को इस गली में दुकानों में हुई चोरी के बारे में मालूम पड़ा, यहां के हर दुकानदार दहशत में है। हर कोई खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगने के बावजूद और चलती फिरती सड़क पर भी अगर चोर बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं तो अब लोग खुद को सुरक्षित कहां महसूस करें। ये बात आपको 2:30 बजे की बात है, 2-3 लड़के थे 15-16 साल के, वो आए हैं, उन्होंने तो ताला तोड़ा है। इधर ही देखिए, इधर ही ताला तोड़ा है और ताला तोड़ के सामान निकाल के ले गए। और मैं साथ वाली दुकान भी मेरी अपनी है, वो मालिक जो है ड्यूटी पे, तो उनकी भी खुशी कहीं पर तो कार टूटा नहीं है। इतने दो स्टूडेंट गए यहाँ से निकले, डेढ़ का यहाँ बैठा हुआ था और उनको जो शक हुआ कि ये लड़के यहाँ कैसे बैठे हैं, उन्होंने आवाज मारी तो लड़के कुछ वहाँ से भाग गए। तीन लड़के जो दिखाई, ये ऐसी वारदात हो रही है। इससे महीना 2 महीने पहले भी एक ताला तोड़ा गया था मेन रोड 40 फीट पे, जो काफी चलता है। और ये बहुत ही शर्मनाक बातें हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं, अब आप लोग सुरक्षित कितना महसूस कर रहे हैं? मेन मार्केट है ये, कोई सुरक्षित नहीं है सर। पेट्रोलिंग वाले पुलिस वाले आते ही, देखो यहाँ 3 बजे के दिन में ये बात हो रही है। बुराड़ी थाना पुलिस ने दोनों दुकानों में हुई चोरी की वारदात की सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और जल्द से जल्द इन चोरों की पहचान कर मामले का खुलासा करने का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन इलाके में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों से अब लोग डरे और सहमे हुए हैं। यूनिवर्सल न्यूज के लिए दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट।